नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार में एक और अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, देख पा रहे होंगे। कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी की ओर से ये वैकेंसी आई है, बिहार सरकार की ओर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे विकास मित्र के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। विकास मित्र 10वीं पास, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, जो पटना सिटी अनुमंडल के क्षेत्र के निवासी है वो विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन कर सकते हैं। आमंत्रित किया गया है तो आवेदन भी कर सकते हैं। और आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है, पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के निवासी, ठीक है, तो वो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऑफिस में जमा करेंगे। और जो शहरी क्षेत्र के निवासी है वो कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 1/11 से लेकर 6/11/2022 तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन ही जमा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं होगा। वही मेधा सूची का प्रकाशन जो है आप देख पा रहे होंगे 10/11/2022 तक आप कर सकते हैं। और आपत्ति, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है मेरिट लिस्ट में, तो आप 12/11/2022 से लेकर 17/11/2022 तक आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका अंतिम चयन, देखिए यहाँ दिखाया गया कि अंतिम चयन समिति का प्रकाशन, जो सिलेक्शन लिस्ट होगा, अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, वो 24/11/2022 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। और नियोजन पत्र वितरण, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको 29/11 तक दे दिया जाएगा। और रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है, पटना सदर में वार्ड नंबर 58 में, और यही पटना सदर में ही वार्ड नंबर 72, और दनियावा प्रखंड में दिखाया गया, सलारपुर पंचायत में एक एक सीटें खाली है। जाति बहुलता यहाँ पे दिखाई गई है, और महिला और पुरुष के लिए सीटें जो रिक्त है, आरक्षित है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए चयन हेतु अर्हता यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। जी दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा, तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र जिनका होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक, 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास एवं 5वीं पास का भी नियोजन किया जा सकेगा। महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा, बशर्ते हुए अक्षर अचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय हो। और यहाँ पे दिखाया गया महादलित आवेदक की उम्र जो है दिनांक 1/1/2022 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक महादलित परिवार से होगा, और पंचायत वार्ड समूह क्लस्टर जिस वार्ड में आप पंचायत में आवेदन करेंगे उसी पंचायत और वार्ड का निवासी भी होना चाहिए। और जो जाति बहुलता होगी वो जाति बहुलता के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। जिस पंचायत वार्ड समूह से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा, अदर लोग नहीं कर सकते, यानी जो लोकल होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आवेदन पत्र जमा करने का स्थान जो है रिक्त वाले प्रखंड अथवा पटना नगर निगम अंचल क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय, शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के या नगर निगम का कार्यालय जो होता है उसमें आप जाके जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि जो है 6/11/2022 है, इसके बाद आपका फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। देखिए, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिखाया गया मैट्रिक का अंक पत्र आपको लगेगा, और प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि आपका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति फोटो कॉपी देना है। नॉन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति, जो मैट्रिक पास नहीं किए हैं, फेल हो गए हैं, वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था
वो एडमिट कार्ड आपको देना है 10वीं वाला। 8वीं से 5वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय परित्याग पत्र SLC भी चलेगा, जो कि आपका अभी प्रमाणित छायाप्रति होना चाहिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा और प्रत्येक पंचायत एवं क्लस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जाएगा। तो ये थी विकास मित्र की भर्ती, और भी वैकेंसी की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।